और क्या हाल चाल दोस्तों। देखो, अगर आपके घर में एक वाईफाई राउटर है और उसमें अगर एक यूएसबी पोर्ट है, तो उसमें आप एक पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव लगा के अपने घर पे ही अपना एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज यानी एक अपना पर्सनल सर्वर क्रिएट कर सकते हो। मस्त, आपका यूएसबी ड्राइव आपके राउटर में लगा हुआ है, आप एक लैपटॉप से उसे एक्सेस करके उसमें फाइल डाल रहे हो, दूसरे लैपटॉप से एक्सेस करके उसमें फाइल देख रहे हो, मतलब कमाल की चीज़ है। आपको अपने स्मार्ट टीवी में कोई भी मूवी देखनी है तो लैपटॉप से उस ड्राइव को आप एक्सेस कर सकते हो और उसमें डायरेक्टली मूवी का फाइल ट्रांसफर कर सकते हो और उसी सेम फाइल को वायरलेसली आप अपने टीवी से एक्सेस करके देख सकते हो। आपके राउटर का यूएसबी पोर्ट काम कर रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको अपने राउटर में यूएसबी ड्राइव लगा देना है। अगर ये काम कर रहा होगा तो इस यूएसबी वाले में लाइट जलेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका यूएसबी काम कर रहा है। अब इसे सेटअप कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने वाईफाई से कनेक्ट हो जाना है। इसके बाद हमें राउटर के लॉगिन पेज पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें चाहिए होती है राउटर की आईपी एड्रेस, जो कि राउटर के पीछे लिखा होता है। इन मोस्ट केसेस ये होता है 192.168.0.1 या फिर 192.168.1.1। तो मेरे केस में ये है 192.168.0.1। इस पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए हमें चाहिए होगा एक यूजर नेम और पासवर्ड, ये भी राउटर के पीछे लिखा होता है या फिर ये डिफॉल्ट में होता है एडमिन 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 पासवर्ड, या फिर आप अपने वाईफाई वाले भैया से पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे। सो फाइनली हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब आपको जो ये इंटरफेस दिख रहा है, ये आपके केस में डिफरेंट हो सकता है, बट जो सेटिंग्स होती है, ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन के नाम वगैरह होते हैं, वो सब आपको सेम मिल जाता है। बस सबकी पोजीशनिंग अलग अलग हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो बेसिकली अभी हमें यूएसबी को सेटअप करना है, तो हमें यूएसबी ऑप्शन फाइंड करना होगा। तो मेरे में यहाँ पे ये ऑप्शन है। सबसे पहले तो मैं एडवांस में चला जाता हूँ, देन मैं जाता हूँ यूएसबी सेटिंग्स में। यहाँ पे जैसे ही मैंने स्कैन पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हो कि वन डिस्क फाउंड है और जो भी मेरा पेनड्राइव राउटर में लगा हुआ है वो यहाँ पे दिख जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे 28.82 GB की कैपेसिटी है इसकी, जिसमें से 20 GB फ्री है। देन हम यहाँ पे शेयरिंग एक्सेस में मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे हमें उस यूएसबी ड्राइव के लिए एक FTP को सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है, जिसे यूज करके हम फ्यूचर में उस ड्राइव को एक्सेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाल दिया, एडमिन ही रहने देता हूँ, एंड देन मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, देन बस मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमारा FTP जो सेटअप हो चुका है। अब हमारे स्टोरेज का नेम क्या होना चाहिए वो यहाँ से हम बता सकते हैं। यहाँ पे हमें FTP का एक URL मिल जाता है, प्लस फोल्डर यहाँ पे कौन सा शेयर हो रहा है, उसका पाथ क्या होगा, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो। सो हमने सक्सेसफुली पूरा सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं कि हम इसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए सबसे मेन बात तो ये है कि आपको इस वाईफाई से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, तभी आप इन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। देन आपको चार चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। पहला FTP URL, ये होता है FTP:// आपके वाईफाई राउटर का आईपी एड्रेस :port जो कि डिफॉल्ट में 21 ही होता है। उसके बाद आपको चाहिए होगा यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने FTP क्रिएट करते टाइम डाला था। विंडोज में अगर आपको इन फाइल्स को एक्सेस करना है तो आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेना है। यहाँ सर्च बार में आपको डालना है FTP:// 192.168.0.1। ये मेरे राउटर का आईपी एड्रेस है, आपका अगर हो सकता है 1.1 हो तो आपको 1.1 डालना पड़ेगा। बस मैंने प्रेस किया एंटर और यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आप सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। और मेरे ड्राइव में एवेंजर्स मैंने डाल रखा है और ये 1080 क्वालिटी में है और 8 GB का फाइल है। जैसे ही मैंने इस पे डबल टैप किया, ये VLC में लोड हुआ और आई थिंक 6 से 7 सेकेंड्स लगे हैं इसको लोड होने में, और बस यहाँ पे मूवी जो है वो पूरी चल रही है। और अगर मैं आगे भी करता हूँ तो आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, एक बहुत ही माइनर सा 1 सेकंड का लैग होता है और बस पूरी मूवी आप आराम से देख सकते हो। तो अब अगर आपको उन फाइल्स को अपने आईफोन से एक्सेस करना है तो FTP मैनेजर करके एक ऐप आपको ऐप स्टोर पर मिल जाएगा, उसे आप इंस्टॉल कर लो। प्लस पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, FTP चूज कर लेंगे, देन यहाँ पे जो मेन हमारी डिटेल्स होती है वो डाल देंगे। और जैसे आईपी एड्रेस हमें डालना है तो 192.168.0.1, FTP का जो URL था उसमें जो आईपी एड्रेस था वो आईपी एड्रेस हम यहाँ पे एंटर करेंगे। देन यहाँ पे पोर्ट डालेंगे 21, यूजर नेम एडमिन। इसके बाद जैसे ही आप सेव बटन पे टैप करोगे, नीचे आपको कनेक्शंस दिख जाएंगे। इस पे आप जैसे ही टैप करते हो, बस यहाँ पे जो हमारी USB ड्राइव था उसे हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। शायद अब आपको देखिए, तो देखो सारे फाइल्स जो उस ड्राइव में थे यहाँ पे मैं उन्हें देख सकता हूँ। देन अगर आपको उस FTP को अपने एंड्रॉयड से एक्सेस करना है तो आजकल जो भी फाइल मैनेजर एंड्रॉयड में आ रहे हैं उनमें आपको FTP का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप ऐड कर सकते हो। बट अगर वो काम नहीं करता है तो आप सिंपली CX फाइल मैनेजर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद आपको जाना है नेटवर्क में, न्यू लोकेशन पर टैप करना है, रिमोट भी जाना है, यहाँ पर आपको FTP का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम आपको यहाँ पर वो सारी डिटेल्स डालनी है, फटाफट मैं डाल लेता हूँ, और बस वो सेम फाइल्स में अपने एंड्रॉयड से भी एक्सेस कर सकता हूँ।
अब ये तो मैंने बताया कि अगर आपको पूरे फाइल को एक्सेस करना है तो आप कुछ इस तरीके से फाइल मैनेजर की हेल्प से कर सकते हो, बट अगर आपको मूवीज वगैरह देखनी है अपने फ़ोन में, मतलब उस यूएसबी ड्राइव में कुछ है और वो मूवी आपको अपने फ़ोन में देखनी है, देन सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है वीएलसी प्लेयर। और देखो ये मूवी चल रहा है विदाउट एनी लैग। अब अगर आपको टीवी पे मूवीज देखनी है तो अपने टीवी में प्ले स्टोर से बस वीएलसी ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आप जाओगे ब्राउजिंग में, इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक ऐड सर्वर टू फेवरेट्स का, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे आपको एफटीपी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे सेम सर्वर एड्रेस हमें ऐड करना होगा। सो हमने यहाँ पे सर्वर एड्रेस डाल दिया, यूजर नेम डाल दिया और यहाँ पे पोर्ट पहले से डाला हुआ था 21। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा सर्वर जो है वो ऐड हो चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना होगा और जैसे ही हमने ओके बटन पर प्रेस किया यहाँ पे उस यूएसबी ड्राइव में जो भी फाइल्स है वो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये है एवेंजर्स, फिर से हम इसी को चलाते हैं और यहाँ पे ये गया लोडिंग और यहाँ पे ये मूवी जो है चलनी चालू हो चुकी है। यहाँ पे भी अप्रॉक्स 3 से 4 सेकंड का टाइम लगा और ये जो मूवी है वो स्टार्ट हो चुकी है और देख सकते हो थोड़ा सा भी लैग नहीं है। थोड़ा सा मैं आगे करके दिखाता हूँ, ये डायरेक्टली मैंने बीच में किया और देखो फटाक से विदाउट एनी लैग ये मूवी पूरी स्मूथली चल रही है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का कनेक्शन ले रखा है और उसके साथ मुझे ये वाला राउटर मिला है। पहले मेरे पास नोकिया का राउटर था और उसमें यूएसबी पोर्ट था और उसका जो राउटर वाला पेज होता है वहाँ से मैं सेटअप करता था तो वो आराम से काम कर जाता था। बट मैंने फ्लैट चेंज किया, फिर मुझे ये दूसरा वाला राउटर मिला। इसमें यूएसबी पोर्ट है, यूएसबी लगाता हूँ तो यहाँ पे यूएसबी का लाइट जलता है, बट इसका जो राउटर का लॉगिन पेज है वहाँ पे मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं दिखता है यूएसबी का। मैंने बहुत बड़े ट्राई किया बट वो ऑप्शन नहीं दिखा है। तो फिर मैंने एयरटेल वालों को कॉल किया कि मुझे अपना राउटर जो है वो चेंज करवाना है क्योंकि इसका यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा है। तो करेंटली उन्होंने बताया कि 2 महीने के करीब तक उनके पास यही वाला राउटर जो है वो रहने वाला है, तो अभी वो चेंज नहीं कर सकते। 2 महीने बाद उनका जो राउटर है उनका स्टॉक चेंज होगा, दूसरे ब्रांड का वो लेंगे, उसके बाद शायद चेंज करेंगे तो हमारा जो काम है वो करने लगे। तो अगर आपके कि भाई घर में राउटर जो है उसमें अगर बाई चांस काम नहीं करता है तो आपका एयरटेल का जियो का है जिसका भी राउटर हो तो आप उनको एक बार कॉल करके बताओ कि यूएसबी काम नहीं कर रहा है तो वो आपका राउटर जो रिप्लेस कर देंगे। अगर आपको जो दोबारा राउटर मिलता है उसमें भी काम नहीं करता है, तो मैंने ये एक राउटर टीपी लिंक का खरीदा है। ये राउटर आप अमेजन से खरीद सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको चाहिए हो, आपको अपना एक सर्वर वगैरह थोड़ा सा क्रिएट करना है तो आप ये वाला राउटर यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से ये काम कर जाता है। सो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर ही देना।